जी, श्री सीएम रमेश जी, श्री टीजी वेंकटेश जी और श्री जी मोहन राव जी, उनका आज थोड़ा राज्यसभा में एक पैर में मोच आने से उनके हस्ताक्षर से उन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया है और तेलुगु देशम के इस गुट ने आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के संसदीय राज्यसभा के दल में अपना विलय करने का फैसला किया है और इसका जो पत्र है उन्होंने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया जी के समक्ष पेश किया है। हमारे राज्यसभा के नेता श्री थावरचंद जी, पार्टी के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ उन्होंने अपना ये पत्र पेश किया है। हम भारतीय जनता पार्टी में उनके आगमन का स्वागत करते हैं और मैं हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करूंगा और श्री थावरचंद जी से भी निवेदन करूंगा कि वे चार में से जो हमारे तीन सदस्य यहां पर उपस्थित हैं उनको पुष्पगुच्छ दे करके भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके विधिवत उनको पार्टी में शामिल करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से और श्री थावरचंद जी से। जॉइंट फोटो इस अवसर पर मैं हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने विचार आपके सामने रखें और माननीय नड्डा जी की जो एक विधिवत पत्रकार वार्ता होनी है वो बाद में कुछ समय बाद आपको सूचित करके हम विस्तार के साथ करेंगे, तब आपके प्रश्नोत्तर भी होंगे। आज वो केवल हमारे जो साथी सांसद आए हैं इनके स्वागत के लिए अपने विचार रखें। माननीय नड्डा जी, मित्रों, जैसा कि भूपेंद्र जी ने आपको बताया, वाईएस चौधरी जी, रमेश जी, वेंकटेश जी और मोहन जी, एक लंबे समय से इनके मन में विचार आ रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे गया है अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी and the organizational skills of Amit Shah ji, which has made the party grow in leaps and bounds, इन दोनों बातों से प्रभावित होकर और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पॉजिटिव नोट पर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। आज सुबह इनकी बैठक वाईएस चौधरी जी के नेतृत्व में हुई जिसमें इन्होंने एक प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी को यह कहते हुए दिया कि हम प्रस्तावित करते हैं कि हम अपनी पार्टी के चार सदस्य आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय करना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकृति दी और स्वीकृति देने के पश्चात मैं और थावरचंद जी उस पत्र के साथ भारत के उपराष्ट्रपति और हमारे राज्यसभा के चेयरमैन
श्री वेंकैया नायडू जी के पास गए और हमने वो पत्र, इनका भी प्रस्ताव और इसके साथ साथ हमारी स्वीकृति का प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव माननीय उपराष्ट्रपति जी को दिया है और वो उस पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तेलुगु देशम पार्टी राज्यसभा की विलय, इसको स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब ये सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मैं इनको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म, इंक्लूसिवनेस, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका विश्वास लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि चारों ही नेता आंध्र प्रदेश के जमीनी नेता हैं, इनके पॉजिटिव नोट्स के साथ काम करने से आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान होगी और पूरी ताकत के साथ हम इनका समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का बेस आंध्र प्रदेश में बढ़ाएंगे। इस अवसर पर तीनों हमारे जो साथी सांसद यहाँ उपस्थित हैं और एक इनके साथी अभी पैर में चोट लगने के कारण यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका समर्थन पत्र है, तो मैं वाईएस चौधरी जी से कहूँगा, वो भी अपने दो शब्द कहें। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, एज यू आर ऑल अवेयर द मूड ऑफ द नेशन विच हैज वेरी क्लियरली शोन इन द रीसेंट इलेक्शंस। So after that, we all have decided that we should join in building this great nation. That's one of the reasons. Particularly for me, I also have got an experience having worked for 3.5 years as MOS with the Honorable Prime Minister as the leader of the cabinet. So this decision was taken mainly to join in building the nation, and particularly for the state of Andhra Pradesh, because for various reasons we have definitely suffered. So thereby we want to emphasize all the issues raised in AP Reorganization Act to be implemented as early as possible, and this is the best platform what we thought to work with cooperation and coordination rather than confrontation and competition. That's it. Thank you. CM Ramesh ji. No, sir. Thank you very much. Thank you. जॉइंट फोटो इस अवसर पर मैं हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने विचार आपके सामने रखें और माननीय नड्डा जी की जो एक विधिवत पत्रकार वार्ता होनी है वो बाद में कुछ समय बाद आपको सूचित करके हम विस्तार के साथ करेंगे, तब आपके प्रश्नोत्तर भी होंगे। आज वो केवल हमारे जो साथी सांसद आए हैं इनके स्वागत के लिए अपने विचार रखें। माननीय नड्डा जी, मित्रों, जैसा कि भूपेंद्र जी ने आपको बताया,
YS चौधरी जी, रमेश जी, वेंकटेश जी और मोहन जी, एक लंबे समय से इनके मन में विचार आ रहा था